हरे कृष्णा। 21 नौ 2021 को पंजाब व राजस्थान रॉयल के बीच मैच होगा शाम 7:30 बजे। तो पंजाब की टीम के प्लेयर कैसा प्रदर्शन करेंगे, राजस्थान रॉयल जो की जो टीम है उसके प्लेयर्स कैसा प्रदर्शन करेंगे, टैरो कार्ड्स हमें क्या बताते हैं, आइए हम यही देखेंगे। प्रश्न कुंडली के माध्यम से प्रिडिक्शन कर दी गई है कि विनिंग टीम कौन सी रहेगी। उसमें हमारे पास पंजाब का नाम आया है और अब कार्ड्स के जरिए ये देखते हैं कि जो प्लेयर्स हैं, कुछ प्लेयर्स के हमने नाम लिए हैं, इन प्लेयर के प्रदर्शन कैसे रहेंगे, कार्ड्स हमें उनके बारे में क्या बताते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पंजाब की ही टीम। पंजाब की टीम के कुछ प्लेयर हैं जिनका हम प्रदर्शन देखते हैं कैसा रहेगा, कार्ड्स बताएं हमें जरा। ओके, सबसे पहले हमने नाम लिया है केएल राहुल का, जिस पंजाब की टीम के कैप्टन भी हैं। तो केएल राहुल का प्रदर्शन कैसा रहेगा, टैरो कार्ड्स प्लीज हमें बताएं। ओके, फर्स्ट कार्ड इज नेगेटिव कार्ड। यहाँ पे तो केएल राहुल का प्रदर्शन कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है, तो इनके लिए हम कह सकते हैं ही विल नॉट प्ले गुड। आप देखते हैं क्रिस गेल, जो क्रिस गेल है उनका प्रदर्शन कैसा होगा इस मैच में। वाह, ये एक पॉजिटिव कार्ड है। पीस ऑफ कप्स, इसके लिए क्रिस गेल के लिए हम ये कह सकते हैं ही विल प्ले गुड। उसके बाद है मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल का इस मैच में कैसा प्रदर्शन होगा, ओह नो, ये भी एक नेगेटिव कार्ड है, ही विल नॉट प्ले गुड। फिर है अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह है इस मैच में कैसा खेलेंगे पंजाब के लिए। ओके, बहुत समझदारी से, सोच समझ के, दूरदर्शिता के साथ खेलेंगे, ही विल प्ले गुड। एम अश्विन, अश्विन करके जो प्लेयर हैं वो इस मैच में कैसा खेलेंगे। ओके, वेरी गुड, यह भी अच्छा कार्ड है, तो ही विल प्ले गुड। फिर हरदीप बराड़, सॉरी हरप्रीत बराड़, बराड़ करके जो प्लेयर हैं, बराड़ का प्रदर्शन कैसा रहेगा। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, गुड, इनका प्रदर्शन भी अच्छा रहेगा, ही विल प्ले गुड। फिर हमने नाम लिया है मार्क्रम, एडन मार्क्रम करके एक प्लेयर का नाम है, उनका प्रदर्शन इस मैच में कैसा रहेगा। ओके, ये एक नेगेटिव कार्ड है, ही विल नॉट प्ले गुड। फिर है मोहम्मद शमी, जो मोहम्मद शमी हैं उनका प्रदर्शन कार्ड के जरिए जानते हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, वेरी गुड, ही विल प्ले, वेरी गुड। उसके बाद शाहरुख खान, पंजाब टीम के लिए शाहरुख खान कैसा खेलेंगे, कुछ नेगेटिविटी के साथ नया शुरू कर सकते हैं, तो ही विल नॉट प्ले गुड, ये एक नेगेटिव कार्ड है। उसके बाद है उत्कर्ष सिंह है, उत्कर्ष सिंह है का इस मैच में कैसा प्रदर्शन रहेगा। ओके, गुड, ही विल प्ले गुड। दीपक हुड्डा, जो दीपक हुड्डा है उनका इस मैच में कैसा प्रदर्शन रहने वाला है। ओह द वर्ल्ड, ही विल प्ले, वेरी गुड। क्रिस जॉर्डन, जॉर्डन करके जो ये प्लेयर हैं उनका इस मैच में कैसा प्रदर्शन रहेगा, कार्ड के जरिए जानते हैं। सेलिब्रेशन, वाओ, सेलिब्रेशन बहुत ही बढ़िया, शायद जॉर्डन इस मैच में बहुत अच्छा खेले, ही विल प्ले, वेरी गुड। तो इस प्रकार हमने देखा पंजाब टीम के कुछ अच्छे कार्ड्स हैं, कुछ नेगेटिविटी बहुत कम है, ज़्यादा कार्ड्स तो अच्छे ही आए हैं उनके, तो पंजाब की टीम के प्लेयर्स अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अब हम राजस्थान रॉयल के जो प्लेयर हैं उनका भी प्रदर्शन देख लेते हैं कि कार्ड्स उनके बारे में क्या कहते हैं।
राजस्थान रॉयल के लिए हम कार्ड निकालेंगे। राजस्थान रॉयल की जो टीम है उनके प्लेयर्स कैसा प्रदर्शन करेंगे। चलिए देखते हैं राजस्थान रॉयल की टीम के लिए कार्ड्स हमें क्या बताएंगे। जो टीम है वो क्या बताते हैं, कार्ड्स हमें जो बताएंगे वो आपके सामने है कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं राजस्थान रॉयल की टीम के लिए। संजू सैमसन, सबसे पहला जो नाम है कैप्टन का संजू, वो राजस्थान के लिए कैसा प्रदर्शन करेंगे। कार्ड्स हमें बताएं, दोनों ही कैप्टन के लिए नेगेटिविटी शो हुई है। पंजाब के जो कैप्टन थे उनका भी कार्ड नेगेटिव आया था, और राजस्थान के जो कैप्टन हैं संजू सैमसन उनका भी ये नेगेटिव कार्ड है, तो ही विल नॉट प्ले गुड। शिवम दुबे इस मैच में कैसा खेलेंगे देखते हैं। ओके, ये कार्ड नेगेटिव कार्ड नहीं है, लेकिन हाँ वो मेहनत बहुत करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो अच्छा खेलें, ही विल प्ले गुड। श्रेयस गोपाल, इनका प्रदर्शन राजस्थान टीम के लिए कैसा रहेगा। ओके, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये, तो इनके लिए हम कह सकते हैं ही विल प्ले वेरी गुड। उसके बाद है यशस्वी जायसवाल। जायसवाल करके ये जो प्लेयर हैं इनका राजस्थान की टीम के लिए कैसा कार्ड आया है, बैलेंसिंग का कार्ड। बहुत ही बढ़िया, सोच समझ के खेलेंगे, ही विल प्ले एवरेज। फिर है कार्तिक त्यागी। त्यागी जी का प्रदर्शन इस मैच में कैसा रहने वाला है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, वेरी गुड, पॉजिटिव कार्ड है ये, ही विल प्ले गुड। एविन लुइस, जो लुइस है वो इस मैच को कैसा खेलेंगे, नेगेटिव कार्ड है, ही विल नॉट प्ले गुड। क्रिस मॉरिस करके जो एक प्लेयर है, मॉरिस मॉरिस इस मैच में कैसा खेलेंगे। ओके, पॉजिटिव कार्ड है, ही विल प्ले वेरी गुड। रियान पराग, इनका इस मैच में कैसा प्रदर्शन है। ओके, संतुलन के साथ, बैलेंसिंग, ही विल प्ले गुड। फिर एक है मुस्तफिजुर रहमान, ये जो रहमान है इनका प्रदर्शन इस मैच में कैसा रहेगा। द मून, ये एक नेगेटिव कार्ड है और इनके लिए हम कह सकते हैं ही विल नॉट प्ले गुड। तबरेज शमशी, जो शमशी है उनका इस मैच में कैसा प्रदर्शन रहेगा। जस्टिस अच्छा है, पॉजिटिव है, ही विल प्ले गुड। फिर है मनन वोहरा। वोहरा करके जो ये प्लेयर हैं इनका प्रदर्शन इस मैच में कैसा रहेगा। ओह, नेगेटिव कार्ड है ये भी, ही विल नॉट प्ले गुड। फिर ग्लेन फिलिप्स, फिलिप्स करके जो ये प्लेयर हैं इनका इस मैच में कैसा प्रदर्शन रहेगा। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, पॉजिटिव, ही विल प्ले गुड। तो इस प्रकार से हमने देखा राजस्थान रॉयल और पंजाब किंग्स की जो टीम है दोनों ही टीमों के प्लेयर्स अच्छा खेलने वाले हैं, अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। नेगेटिव कार्ड्स लगभग एक जैसे से ही हैं दोनों के ही, और कार्ड्स ने जो हमें बताया है वो प्लेयर्स के लिए पॉजिटिविटी ज़्यादा दिखाई दी है। दोनों ही टीमों में बहुत अच्छी पॉजिटिविटी दिखाई दी है, दोनों टीम पॉजिटिव हैं और अच्छा खेल रही हैं, ऐसा कार्ड्स ने बताया है। नेगेटिव कार्ड्स बहुत कम आए हैं दोनों ही टीमों के लिए। तो ये था हमारा कार्ड का प्रेडिक्शन, और जो टीम जीतेगी वो तो आपको मैंने बता ही दिया है शॉर्ट में कि पंजाब की टीम की जीतने की संभावना हमको प्रश्न कुंडली में अधिक दिखाई दी थी। तो पंजाब टीम मे विन दिस मैच। थैंक यू।